वही दिखाइए सर। एनटीए कब से, ये नीट एग्जाम एनटीए के हाथ में कब से गया, कब से कंडक्ट कर रहा है? 2013 के बाद से गया हुआ है। इससे पहले जो नीट एग्जाम होते थे उसके मेडिकल एसोसिएशन रहते थे वो खुद कराते थे, तो क्या सीबीएसई वगैरह, तो क्या है वो खुद उनको आइडिया रहता था कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन देना है, क्योंकि ये भी देखा गया कि एनटीए जब से है तो मार्क्स जो है बिल्कुल क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। जैसे इस बार भी देखा जाए, ठीक है मान लीजिए कि इस बार बहुत लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलने से 720 गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ ट्रू है कि बहुत सारे स्टूडेंट 720 ला रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये जा रही है कि सबसे अच्छा कॉलेज है दिल्ली का एम्स, उसमें बच्चे सोच रहे हैं कि एटलीस्ट अगर 720 ले आऊंगा तो श्योर रहेगा मुझे कॉलेज मिलेगा, अब वो 720 से ज़्यादा कैसे लाए। लेकिन अब धीरे धीरे ये आ रहा है कि जो कंपटीशन आप ले रहे हैं, जो एग्ज़ाम जिसका मेन कारण मेन रीज़न है कि आपको कैटेगराइज करके हम कॉलेज भेज पाएँ, अब उसमें कैटेगराइज कैसे करेंगे 720 लाने के बावजूद अगर उसको नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या जा रही है,